ओवर टू अभिषेक। थैंक यू सो मच श्रेयस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम, आप सभी को प्रणाम। सत्र की शुरुआत करने से पहले एक बार हम सभी कमर गर्दन सीधा रखें, स्पाइन को स्ट्रेट रखें। विल स्टार्ट विद पतंजलि प्रेयर, सो एवरीवन प्लीज जॉइन योर पाम्स, स्पाइन स्ट्रेट विद डीप इनहेल। योगेन चितस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरुतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। हरि ओम। परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म स्थिति को नमन करते हुए, आदरणीय गुरु जी की सूक्ष्म स्थिति को नमन करते हुए, हम सभी के ऊर्जा योगासन भारत की ऊर्जा आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी को नमन प्रणाम करते हुए एवं यहाँ पर उपस्थित सभी योगासन भारत की टेक्निकल और सभी सदस्यों को मेरा सादर नमन और प्रणाम। आप सभी जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं सेशन के लिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय शेष भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग मी हियर टुडे। सो आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल। यस, ओके, वेरी मच क्लियर सर। ओके, थैंक यू सर। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, एज यू ऑल आर टेकिंग सेशन फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्स पर्सन, फ्रॉम डिफरेंट एक्सपर्ट्स, और आप सभी ने बहुत कुछ नया सीखा है और आप सभी बहुत जल्दी वर्ल्ड योगासन के जो कोचेस ट्रेनिंग प्रोग्राम से कोचेस बनने वाले हैं। सो माय टॉपिक फॉर टुडे इज लाइक बैक बेंडिंग योगासना, की जजिंग पॉइंट फॉर बैक बेंडिंग योगासना। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई विल स्टार्ट विथ माई पीपीटी। आई एम शेयरिंग माई पीपीटी ऑन द स्क्रीन। क्या आप सभी को दिख रहा है मैंने जो पीपीटी अभी शेयर किया है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच। देखिए, टुडेज टॉपिक इज की जजिंग पॉइंट ऑफ बैकवर्ड बेंडिंग आसनास। एज यू ऑल नोज कि इन अवर कोड ऑफ पॉइंट्स दे आर मेनली फाइव कैटेगरीज व्हिच आई हैव मेंशनड इन माय पीपीटी। इन अवर कैटेगरीज इन कोड ऑफ पॉइंट्स, फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, बॉडी ट्विस्टिंग, लेग बैलेंस एंड हैंड बैलेंस। फॉर एवरी कैटेगरी देर इज अ सब कैटेगरी ऑल्सो। सो यू मस्ट हैव सीन इन अवर कोड ऑफ पॉइंट्स देर आर 10 पेजेस एंड एवरी पेज देर आर 25 पोस्चर्स, 25 आसनास अकॉर्डिंग टू देयर डिफिकल्टी लेवल फ्रॉम ए बी सी डी टू ई। फ्रॉम ए इट इज 0.6 मार्किंग, फ्रॉम बी इट इज 0.7 एज अ बेस वैल्यू, C it's 0.8, D is 0.9 and E is the highest marking, that is 1.0 as the base value. So today we will going to learn how backward bending is done for the athlete, and also what is the important role of a coach in teaching and also in knowing the major aspects of backward bending. As you all know, code of points is our constitution of योगासन भारत। अगर हम देखें तो हमारा जो सारा ए से लेकर जेड तक का आसनों से और टूर्नामेंट से लेकर सारी चीजें हमें कोड ऑफ पॉइंट्स में मिलती है। तो उस कोड ऑफ पॉइंट्स में एवरीथिंग इज गिवन इन कोड ऑफ पॉइंट्स। तो उसी कोड ऑफ पॉइंट्स में से मैंने कुछ मेन मेन टॉपिक्स बैकवर्ड बैंड योगासना के लिए है जो मैं आप सभी से आज शेयर करूंगा। तो मेनली दो कैटेगरी इसमें है, बैकवर्ड बैंड स्टैंडिंग एंड बैकवर्ड बैंड फ्लो। खड़े होकर बैकवर्ड बैंडिंग वाले आसना और बैठ कर या फिर लेट कर बैकवर्ड बैंडिंग वाले आसना। Importance of key judging point for coaches also, as we all going to be coaches very soon, so it is very important for us also to know how the spine works and what is the major role of a spine in backward bending postures. Because if we don't know the major role of a spine, the structure of a spine, the curves of a spine, it will become hard for the coach as well also for the athlete also. So we should know what are the major
vertebrates in our spine. What is the major spine shape? So here we can see an image. In point number two, you all can see from 1 to 7, we have cervical vertebrates in the spine. From 1 to 12, below 7, we have thoracic vertebra. Then we have lumbar, then we have sacrum, and then we have coccyx. So for coaches, it is very important to know the structure of a spine. If they don't know the proper structure of spine, it will become hard to teach the back bending poses to the athlete also. Okay. Otherwise, it will become hard for the athlete while performing the asana, and it may can create injuries also. Okay, so we should know the actual structure of the spine, and we should also know how it is bending forward and how it is bending backward. Okay, so this is the basic structure of the spine, which we should know. And we should also know the body movements with the spine. Okay, because in each and every asana, our spine is doing movement with our hands, with our legs, and with our body. So we should know the structure as well as the body movements also. So from here, we will start our session. Basically, that was the introduction of a backward bend and the spine. As we all know that in traditional as well as artistic, as well as rhythmic, and as well as group, in all category, there are backward bend postures aate. So jo mainly D-judge bhi hote hain, wo एक एक डिफिकल्टी चार्ट के अकॉर्डिंग एक एक आसन की उसकी स्ट्रेचिंग को देखकर, उसकी पाम को देखकर, बॉडी अलाइनमेंट को देखकर, दे फोकस ऑन ईच एंड एवरीथिंग. ओके, सो हाउ वी शुड नो एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच अ कोच शुड नो फॉर बैकवर्ड बेंडिंग पोजेस. हियर ऑन द लेफ्ट साइड यू ऑल कैन सी देयर इज अ टेबल for D judge, which a D judge see first, and then they give the marking. So here we have perfection of postures, accuracy of postures, mounting, dismounting, stability, tremblingness, stresslessness, grace, and presentation. Okay, so these are the main and major things which a judge notice while when an athlete perform. So being a coach, we should also know all these things. Otherwise, our athlete will face the problems while performing the postures. If we know all these things, we will be a good coach in the future also. Okay. So these all things according to the marks given here. Now I will move toward the backward bending poses, which is given in our code of points. Can you see the posture in the right side? There are 5 postures. Is it visible to all? Yes, sir. Visible, okay. Sir. Okay. Thank you. So in backward bending standing, we'll start with the back bend standing poses. Mostly in backward bend, all postures giving curve in the spine from thoracic as well as the lumbar part. In the last slide, I have shown you the thoracic and the lumbar part. So mostly cases, the backward bend is done from the thoracic as well as also from the lumbar part. So we'll start from the Ardha Chandrasana. That is the first posture with a base value of 0.6. Okay, it counts in easy asana. So you can see the athlete is standing in this pose. Wait. Upper body bent back with parallel to the floor. You can see in this posture, the first pose is the athlete is bending from the upper body, palms in Namaskar Mudra with biceps in contact with the ears. The palms is also in the Namaskar Mudra and the biceps connected with the ears. And face facing upward. Mostly cases in backward bending poses, the athlete will face upward or with the direction of the spine. Now the second asana, you can see BBS A2 marking 0.6, that is Bhimasana. One more thing, like all these postures are, the name of the postures are mainly related to some like animal name, some god name, or some natural or traditional names. So every name has a meaning, or you can search in the Google also. Every name has a meaning for the Yogasana Bharata. Each posture has a meaning. Okay, so second name is Bhimasana. Here we can see the warrior position here. One leg foot should be in perpendicular direction in front foot. We can say one leg in the perpendicular direction. Front leg knee at 90 degree. This front leg is 90 degree.
the expand of chest is here. You can see the chest is expanding, and both the hands interlocks and rested on the calf muscles of the back leg. Hands and back leg should be straight. You know, being a judge and being a coach, we should know each and every thing, minor thing of a posture, like where the palms is situated, how the leg, what is the angle of the leg, what is the angle of the back leg, is the body shivering, is there a proper curve or not. So we should notice each and everything. And being a coach, we should know how we have to train the athlete for this particular asana. Now, the third asana is Chamatkara Asana, BBS AT, 0.6 marking. Now, in this posture, one leg is straight and firmly placed on ground. We can say one leg is completely straight and firmly on the ground. Other leg should be folded in 90 degree angle with only toe touching the ground. आप दूसरा पैर देखेंगे तो दूसरा पैर का टो जो है वो ग्राउंड पे टच कर रहा है, ठीक है, 90, वो टो जो है ग्राउंड पे टच कर रहा है. वन हैंड फर्मली प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, और एक हाथ, मतलब सेम हैंड एंड सेम लेग जो है ग्राउंड पे टच कर रहा है. अदर हैंड शुड बी स्ट्रेच फॉरवर्ड पैरेलल टू द ग्राउंड, और जो दूसरा दूसरा हाथ है आप देखेंगे वो पूरा पैरेलल टू द ग्राउंड, और उसके अंदर ज्ञान मुद्रा भी लग रही है. ये कुछ माइनर चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. इस आसन में ज्ञान मुद्रा भी यहाँ पर लग रही है, हम अगर इसको बारीकी से देखें तो. हेड बिटवीन बोथ एंड बोथ द हैंड्स एंड फेस फेसिंग फॉरवर्ड, द फेस इज फेसिंग फॉरवर्ड. हैंड एंड लेग व्हिच आर फॉर्मली रेस्टेड ऑन ग्राउंड शुड बी इन वन लाइन. अब जो हाथ और पैर जो कि रेस्टेड है फॉर्मली, वो एक लाइन में होने चाहिए. दीज आर द माइनर थिंग्स इन योगा योगासन. नाउ Now, the fourth please asana. Please mute. Sir, please mute कर लिया जाए सब किसी को. Thank you everyone. Now, the fourth asana is Chitroshta Asana. Now, you can see mainly the asanas, all the asanas in Chakrasana variations. अगर आप इस सभी आसनों को देखें, जो चमत्कार आसना, चित्रोष्ट आसना और एक बात सेतुबंध चक्रासना जो कि इसके बाद भी है, दे ऑल आर द वेरिएशंस ऑफ चक्रासना. मेनली हम जो लोग बैकवर्ड बैंड चक्रासन करते हैं, ये उन्हीं के अंदर वेरिएशंस है. अब वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल. अब आप चमत्कार आसन में देखेंगे, ये हमने अभी देखा. अब चित्रकोष्ट आसना, इसमें क्या है, बोथ पाम्स एंड वन लेग फर्मली प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, दोनों हथेलियां हमारी ग्राउंड पे टच्ड है. सपोर्टिंग लेग विथ हील अपलिस्टेड सेंट्रली अलाइंड विथ बोथ पाम. एक जो पंजा है आप देखेंगे टोज को पॉइंटेड ऊपर ऊपर की ओर, टो पॉइंटेड है, टो डाउन है. हेड बिटवीन बोथ हैंड्स लुकिंग फॉरवर्ड, दोनों हाथ प्रॉपरली कनेक्टेड है. हेड बिटवीन द हैंड्स, और जो सिर है वो दोनों हाथों के बीच में. यहाँ से ये लाइन प्रॉपरली देखी जाती है जब भी जजिंग की जाती है कि वो हाथ कंधे की सिद्ध में है या नहीं, चेस्ट का प्रॉपर एक्सपांड है या नहीं. अदर लेग शुड बी स्ट्रेच्ड, other leg should be stretched making 60 degree to the ground with toe pointed plantar flexion. अब ऊपर वाला आप पैर देखेंगे तो यहाँ पे एक टर्म यूज की गई है, plantar flexion. Plantar flexion एक टर्म है जिसमें आपका जो फीट है वो फ्लेक्स्ड है, मीन्स अवे फ्रॉम बॉडी. यहाँ पर आपका पंजा शरीर से दूर किया. अगर आप इसको इनसाइड ले लेंगे तो ये आसन क्या होगा, इसमें मार्किंग कटती है, तो ये टो पॉइंटेड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है. तो ये बहुत बारीकियां है जो कोचेस को पता होनी चाहिए. नाउ एक पाद सेतुबंध चक्रासन. अब ये भी चक्रासन का वेरिएशन ही है. सपोर्टिंग लेग फुट एंड बोथ हैंड्स फर्मली प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, दोनों हाथ अच्छे से जमीन पे जुड़े हुए हैं, एंड फुट प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड. सपोर्टिंग लेग एंड सेम हैंड बी इन वन स्ट्रेट लाइन. अब जो पैर है वो भी स्ट्रेट होना चाहिए, जो हैंड से वो भी स्ट्रेट होना चाहिए, और वो एक लाइन में भी होने चाहिए प्रॉपर तरीके से. अदर लेग शुड बी फोल्डेड परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, नी फेसिंग अप. अब देखिए दूसरा जो पैर है जो ऊपर की ओर है उसमें नी फोल्डेड है और टो पॉइंटेड है. हेड बिटवीन बोथ हैंड्स लुकिंग फॉरवर्ड. मोस्टली जितने भी चक्रासन वेरिएशंस होंगे उसमें जो आपका हेड है वो दोनों हाथों के बीच में ही होना चाहिए. तो ये हमारी ए कैटेगरी बैकवर्ड बेंडिंग स्टैंडिंग की थी. आगे की ओर हम चलते हैं. अभी आप लोग देख पाएंगे बी कैटेगरी, बी जो सीरीज है जिसकी मार्किंग है 0.7, नंदी होश आसना. नंदी इज रिलेटेड टू काउ, काउ नेम. नंदी होश आसना
इसमें आप देखेंगे कि ये भी बैकवर्ड बेंड का ही वेरिएशन है, एथलीट में चक्रासना का वेरिएशन है ये। एथलीट मस्ट बी बैकवर्ड बेंड पोजिशन सपोर्टिंग लेग फुट एंड सेम हैंड्स फर्मली प्लेस्ड ऑन ग्राउंड ऑन वन स्ट्रेट लाइन, जो पैर जमीन पे है सेम हैंड जमीन पे होना चाहिए, अपोजिट नहीं, जो पैर जमीन पे है सेम हैंड जमीन पे होना चाहिए। अदर लेग टो शुड बी लॉक्ड बिहाइंड द नेक, और जो दूसरा पैर है उसका टो जो लॉक्ड है इट शुड बी बिहाइंड द नेक, बिहाइंड द नेक। बोथ नीज टुगेदर, दोनों जो घुटने हैं टुगेदर हो। अदर हैंड शुड बी स्ट्रेच फॉरवर्ड पैरेलल टू ग्राउंड एंड इन ज्ञान मुद्रा। यहाँ पर आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा, कुछ आसन ऐसे हैं जिसमें मुद्रा भी लगी। तो मेनली व्हेन व्हेन यू विल बी टीचिंग योर एथलीट यू हैव टू टीच देम मुद्रा आल्सो, सो दैट दे कैन परफॉर्म द सेम शेप ऑफ द आसना इन द टूर्नामेंट्स आल्सो, अदरवाइज जजेस मे कट द मार्क्स आल्सो, बिकॉज इफ मुद्रा इज गिवन देर शुड बी अ सेम शेप ऑफ द आसन, देन ओनली दे विल गेट द प्रॉपर मार्क्स। बोथ हैंड्स एंड सपोर्टिंग लेग शुड बी स्ट्रेट, हेड बिटवीन बोथ हैंड्स लुकिंग फॉरवर्ड। इसमें भी आप देखेंगे जो सिर है वो दोनों हाथों के बीच में है, कंधों के बीच में। वीर नील आसना, ये हमने जो अभी पहले एक आसन डिस्कस किया था इससे जस्ट पहले, जिसमें भीम आसना था। भीम आसन में हमने कहा कि दोनों दोनों हाथ जो है वो काफ मसल्स पे प्लेस्ड है, यहाँ पर दोनों हाथ आपके कान से स्ट्रेच हो रहे हैं पीछे की तरफ, पूरा स्ट्रेच हो रहे हैं। 90 डिग्री एंगल इन नी ऑफ फ्रंट लेग, बैक पैरेलल टू द फ्लोर, हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा इन कॉन्टेक्ट विद द ईयर्स। यहाँ पर क्या चेंज आ रहा है, हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा इन कॉन्टेक्ट विद द ईयर, और कर्व आ रहा है आपकी स्पाइन का। तो कुछ आसन ऐसे हैं जो लगभग सेम है, बस उनके हैंड्स की पोजिशन या फिर कुछ कर्व में चेंजेस है। दारुक आसना, वन लेग एंड सेम हैंड फर्मली प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, एक हाथ और एक पैर दोनों अच्छे से जमीन पे टच रहेंगे इसमें। अपलिफ्ट द अदर लेग पैरेलल टू द ग्राउंड टो पॉइंटेड, दूसरा पैर हमने टो पॉइंटेड करते हुए फ्लेक्स करते हुए स्ट्रेट रखा है पैरेलल टू द ग्राउंड, और सेम हाथ सेम हैंड शुड बी प्लेस्ड ऑन द थाइज ऑफ लिफ्टेड लेग, जो पैर उठा हुआ है वही हाथ जंघा के ऊपर थाइज के ऊपर टच है, चिन टचिंग द चेस्ट। यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कीजिए बहुत बारीकी से, इफ यू कैन सी द चिन इज डूइंग जालंधर बंद हियर, द चिन इज टचिंग विद द चेस्ट एंगेजिंग अपवर्ड। तो इन मैनी आसना यू विल सी सम बंद ऑल्सो, कुछ ऐसे आसन है जिसमें आपको जालंधर बंद को भी देखने को मिलेगा। गजानन आसना, इन दिस आसना बोथ लेग्स टूगेदर, दोनों पैर पास में, एथलीट शुड कैच नीज विद रिस्पेक्टिव हैंड्स, एथलीट अपने दोनों घुटनों को पकड़ रहा है और वो अपना लंबर और थोरेसिक से कर्व बना रहा है, हैंड्स एंड लेग स्ट्रेट। एक चीज बहुत बारीक इसमें, दोनों हाथ दोनों पैर सेम रहेंगे, चेस्ट एक्सपेंशन चिन अप एंड हेड ड्रॉप, गर्दन पीछे की ओर, और एक्सपांड ऑफ लंग, छाती का पूरा फैलाव यहाँ पर महसूस होगा। गिरिजा आसना, अब इस आसन में वन लेग फर्मली प्लेस्ड ऑन ग्राउंड और ग्राउंड विद 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री के एंगल पे एक पैर है। अदर लेग फुट इज प्लैंटर फ्लेक्शन विथ हील, फिर से ये टर्म आ गई प्लैंटर फ्लेक्शन, जो कि अभी पहले भी मैंने बताया था, जिसमें आपका टू टो पॉइंटेड है, जिस प्रकार हम गाड़ी का क्लच दबाते हैं तब हमारा हील जो पोजिशन में होता है वही पोजिशन प्लैंटर फ्लेक्शन में होती है, मतलब टो पॉइंटेड या फिर अवे फ्रॉम द बॉडी। सेम आर्म ऑफ फ्रंट लेग स्ट्रेच बैक एंड सेम आर्म ऑफ बैक लेग स्ट्रेच फॉरवर्ड, इसमें आप देखिए जो पैर आगे है वही हाथ पीछे की ओर, जो पैर पीछे है वो हाथ आगे की ओर, एक ही लाइन में एक इन ए सेम डायरेक्शन दिया। बोथ हैंड चेस्ट एंड हेड शुड बी इन वन लाइन, हैंड्स और चेस्ट एक लाइन में होना चाहिए, गेजिंग इन ज्ञान मुद्रा, हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा। फिर से यहाँ पर देखिए मुद्रा आ गई है, हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा एंड गेजिंग अपवर्ड, ऊपर की ओर देखते हुए। नाउ द सी सीरीज ऑफ बैकवर्ड बेंडिंग स्टैंडिंग, जिसकी मार्किंग 0.8, अब धीरे धीरे इनकी लेवल भी बढ़ता जाता है, मार्क जो इसकी बेस वैल्यू है उसकी मार्किंग भी बढ़ती जाती है। त्रियंग मुकुट आसना, ये कुछ कॉमन पोस्चर्स हैं जो कि एथलीट अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल टूर्नामेंट्स में करते हैं, ये कुछ पोस्चर्स ऐसे हैं जैसे त्रियंग मुकुट आसना हो गया। बोथ लेग्स फर्मली प्लेस्ड ऑन ग्राउंड विथ शोल्डर्स डिस्टेंस पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैर अच्छे से कनेक्टेड हैं इसमें, शोल्डर्स हल्के से डिस्टेंस है बट पैरेलल टू ईच अदर, प्रॉपरली पैरेलल टू ईच अदर,
फर्म ग्रिप विथ बोथ हैंड्स ऑन एंकल, दोनों हाथों से एंकल्स का कैच करना यहां पर जरूरी है। अगर एथलीट कैच नहीं कर रहा है तो वहां पर उसकी मार्किंग कट होती है। बोथ नीज लेग्स हैंड्स स्ट्रेट, दोनों हाथ की कोहनियां और दोनों पैरों के घुटने एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, देन ही और शी विल गेट द और द एथलीट विल गेट द प्रॉपर मार्क्स। होल बॉडी शुड स्ट्रेच अपवर्ड और पूरा शरीर ऊपर की ओर खिंच रहा है, फेस फेसिंग फॉरवर्ड। सेकेंड, अधोमुख हस्तोत्तान आसन, ये भी एथलीट काफी करते हैं आसन, दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट आसन। इसमें विदाउट प्लेसिंग द हैंड्स ऑन ग्राउंड उनको होल्ड करके रखना है, बोथ लेग्स टुगेदर एंड फर्मली प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, बैकवर्ड बेंड फ्रॉम लोअर बैक। यहाँ पर लंबर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे लंबर से बहुत डीप बेंड हो रहा है। बोथ हैंड्स शुड स्ट्रेच बैकवर्ड एंड इन नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, दोनों कान आपके आर्म्स से टच है, बोथ नीज लेग्स हैंड स्ट्रेट, हेड प्लेस इन बिटवीन आर्म्स, ईयर टचिंग बाइसेप्स, आपके जो ईयर्स कान है वो बाइसेप्स को टच कर रहे हैं, एंड फेस फेसिंग फॉरवर्ड। थर्ड, पूर्ण चक्रासन, ये भी आसन एथलीट काफी परफॉर्म करते हैं, बोथ लेग्स एंड हैंड्स फर्मली प्लेस्ड ऑन ग्राउंड विथ शोल्डर डिस्टेंस, शोल्डर डिस्टेंस पे दोनों हाथ और दोनों पैर फर्मली ग्राउंडेड रहेंगे। बोथ नीज लेग्स एंड हैंड स्ट्रेट, यहाँ पर देखिए हाथ और पैर दोनों की सिचुएशन स्ट्रेट होनी चाहिए, दे शुड बी नो बेंडिंग और दे शुड बी नो कर्व इन द एल्बो और इन नी। फिंगर टिप्स शुड टच द हील्स, अच्छे से टिप्स, यहाँ पर बारीकी से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो अंगुलियां है वो टच होनी चाहिए एडी के, तब इसको प्रॉपर आसन माना जाता है पूर्ण चक्र आसन। फेस फेसिंग फॉरवर्ड, बॉडी शुड प्रोजेक्ट अपवर्ड मेकिंग मैक्सिमम हाइट, अब यहाँ पर एथलीट को मैक्सिमम कर्व के साथ बॉडी को अपवर्ड लिफ्ट करना होता है। चक्र गरुड़ आसन, ये जो हम स्टैंडिंग गरुड़ आसन करते हैं खड़े होकर, आप सभी ने कभी गरुड़ आसन किया होगा, उसी का चक्रासन के साथ ये वेरिएशन है। वन लेग एंड बोथ हैंड्स फर्मली प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, दोनों हाथ और एक पैर ग्राउंड पे रहेगा, शोल्डर डिस्टेंस पे हैंड रहेंगे, अदर लेग शुड क्रॉस द सपोर्टिव लेग, अब यहाँ पर ऊपर वाला एक पैर जैसे सर्प कर्व बनाता है वैसे ही आपने दूसरे पैर के ऊपर कर्व बनाना है प्रॉपरली, और उसकी फीट को उसकी शिन बोन के वहां पर कर्व में टच कर देना, हैंड स्ट्रेट पैरेलल टू ईच अदर, हेड प्लेसिंग बिटवीन आर्म्स, ईयर टचिंग बाइसेप्स, सपोर्टिव लेग प्लेस्ड इन बिटवीन बोथ हैंड्स, फेस फेसिंग फॉरवर्ड, अदर लेग शुड क्रॉस द सपोर्टिंग लेग एंड इंटरलॉक ऑफ फुट एट काफ, काफ मसल्स के यहाँ पे इंटरलॉक होना जरूरी है, तब जाके ये पूरा काउंट होता है एज अ चक्र गरुड़ आसन। चक्र व्यू आसन, इट इज ऑल्सो वेरिएशन इन चक्र आसन, इसमें एक पैर को एक फुट को इंटरलॉक करके कर्व बनाते हुए, वन लेग एंड बोथ हैंड्स फर्मली प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, शोल्डर डिस्टेंस इन हैंड, अदर लेग शुड बी लॉक्ड इन लेटरल पार्ट ऑफ द स्टमक, ये देखेंगे आप एक पैर जो है इसमें लॉक्ड है हमारे स्टमक के लेटरल पार्ट पे, हैंड स्ट्रेट पैरेलल टू ईच अदर एंड बाइसेप्स इन कॉन्टेक्ट विद ईयर्स, हाथ कनेक्टेड जमीन से प्रॉपरली कनेक्टेड होंगे हाथ, और आपकी बाइसेप्स कनेक्टेड विद द ईयर्स प्रॉपरली, सपोर्टिव लेग एंड सेम हैंड इन वन लाइन, जो सपोर्टिव लेग जो लेग सपोर्ट कर रहा है और जो हैंड सपोर्ट कर रहे हैं वो एक लाइन में होना चाहिए, फेस फेसिंग फॉरवर्ड एंड बॉडी शुड प्रोजेक्ट अपवर्ड मेकिंग मैक्सिमम हाइट, आप लोग ये लाइन बहुत बार सुनेंगे, बॉडी शुड प्रोजेक्ट अपवर्ड मैक्सिमम मेकिंग मैक्सिमम हाइट, दैट मीन्स आसन में आने के बाद एथलीट हैज टू स्ट्रेच हिज और हर बॉडी अपवर्ड सो दैट ही और शी कैन अटेन द मैक्सिमम हाइट, बिकॉज इन चक्रासन इफ देयर विल बी मैक्सिमम हाइट then the posture will look proper, with minimum height the judges will give minimum marks, maximum height judges will try to give good marks. Now the D series of backbend standing posture, jiski base value 0.9 hai, dheere dheere level badhta hua asano ka, ek pad urdhav dand dhanurasana, it is also a variation ऑफ चक्रासन, इसमें वन लेग एंड बोथ हैंड्स फर्मली प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, एक पैर और दोनों हाथ जमीन से जुड़े हुए, शोल्डर डिस्टेंस इन हैंड्स, हाथों के बीच में शोल्डर का डिस्टेंस रहेगा, अदर लेग स्ट्रेच स्ट्रेट अपवर्ड 180 डिग्री स्प्लिट, देखिए इस आसन में एथलीट की स्प्लिट भी प्रॉपर होनी चाहिए, इफ स्प्लिट इज प्रॉपर
एथलीट विल एबल टू डू द प्रॉपर 180 डिग्री हियर, हैंड स्ट्रेट विथ फिंगर्स क्रॉस्ड क्लोज्ड, फिंगर्स क्लोज अंदर की ओर रहेगी और हैंड स्ट्रेट रहेंगे आपके, सपोर्टिव लेग इन बिटवीन बोथ हैंड्स, और जो लेग जो सपोर्ट कर रहा है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, वो दोनों हाथों के बीच में होना चाहिए, फेस फेसिंग फॉरवर्ड, बॉडी शुड प्रोजेक्ट अपवर्ड मेकिंग मैक्सिमम हाइट। महाकर्णासन, महाकर्णासन, बोथ लेग्स फॉर्मली प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, दोनों पैर अच्छे से जमीन पे टच है, ये भी चक्रासन में ही वेरिएशन है, वन लेग शुड बी प्लेस्ड वन स्टेप फॉरवर्ड, एक पैर एक स्टेप आगे है, फॉर्म ग्रिप विथ अदर हैंड ऑन बैक लेग एंकल, दूसरे पैर पे बैकवर्ड बेंड करके उसके एंकल को अच्छे से पकड़ लेना है, बैकबोन शुड टच द बैक साइड ऑफ द थाई ऑफ बैक लेग, और आपकी जो बैक बोन है, शोल्डर्स के पास वाली जो बैक बोन है, वो थाई को टच होनी चाहिए, तब जाके ये आसन पूरा काउंट माना जाता है। बोथ नीज लेग्स हैंड स्ट्रेट, दोनों घुटने लेग्स और हैंड्स स्ट्रेट होने चाहिए, हेड प्लेस्ड इन बिटवीन आर्म्स, दोनों हाथों के बीच में सिर, होल बॉडी शुड स्ट्रेच अपवर्ड फेस फेसिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोणार्क आसन, इसके बाद तीसरे नंबर का आसन कोणार्क आसन, वन लेग एंड अपोजिट हैंड फॉर्मली प्लेस्ड इन ग्राउंड, इसमें एक हाथ और एक पैर तो ग्राउंड पे, अपोजिट हाथ और अपोजिट हैंड ग्राउंड पे अच्छे से जुड़ा हुआ है, फॉर्म ग्रिप ऑफ सेम हैंड, प्लीज म्यूट। अपोजिट हैंड एंड अपोजिट लेग जो है ग्राउंड पे अच्छे से कनेक्टेड है, फॉर्म ग्रिप ऑफ सेम हैंड और एंकल ऑफ द सपोर्टिंग लेग, जो पैर नीचे है वही हाथ, उसी डायरेक्शन का सेम हाथ उस एंकल को कैच करे हुए, अच्छे से ग्रिप बनाए हुए, सपोर्टिव लेग एंड हैंड स्ट्रेट, दोनों हाथ और सपोर्टिव लेग स्ट्रेट रहेंगे, हेड प्लेस इन बिटवीन आर्म्स, होल बॉडी शुड स्ट्रेच अपवर्ड, पूरी बॉडी जो है अपवर्ड स्ट्रेच हो रही है, एंड फेस फेसिंग फॉरवर्ड, इसमें एक पैर आप लोग देख रहे हैं जो कि आपके आर्म पिट्स पे इंटरलॉक्ड है ना, फुट के आर्म्स पिट्स पे इंटरलॉक्ड है। नाउ द फोर्थ आसना, एक पाद लंब कोण चक्रासना, ये आसन भी काफी बार एथलीट करते हैं, वन लेग एंड अपोजिट हैंड फॉर्मली प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, एक हाथ और एक पैर अच्छे से ग्राउंड पे कनेक्टेड है, फॉर्म ग्रिप ऑफ सेम हैंड और एंकल ऑफ सपोर्टिंग लेग, जो लेग सपोर्ट कर रहा है नीचे, उस सेम हैंड से हमने एंकल को पकड़ लिया है, अदर लेग शुड बी लिफ्टेड इन 90 डिग्री एंगल पैरेलल टू द ग्राउंड, और जो दूसरा पैर है 90 डिग्री टू द पैरेलल टू द ग्राउंड रहेगा, सपोर्टिंग लेग एंड हैंड स्ट्रेट, जो पैर नीचे है जो हाथ वो स्ट्रेट होने चाहिए, सिर दोनों हाथों के बीच में, पूरी बॉडी स्ट्रेच रहेगी अपवर्ड और फेस फेसिंग फॉरवर्ड। कंबल आसना, वन लेग एंड बोथ हैंड्स फॉर्मली प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, इसमें आप देखेंगे एक पैर और दोनों हाथ ग्राउंड पे प्रॉपरली प्लेस है, अदर लेग लिफ्टेड अप परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ऊपर वाला जो पैर है वो लिफ्टेड है और ग्राउंड के परपेंडिकुलर है, एंड अपर लेग शुड बी फोल्डेड इन नी, और उसका नी भी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, अगर आप देख पाए तो इट इज 90 डिग्री टू द एंकल, सपोर्टिव लेग शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन द हैंड्स, और जो सपोर्टिंग लेग जिससे हम पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं वो दोनों हाथों के बीच में रहेगा, सपोर्टिंग लेग नी शुड बी स्ट्रेट एंड मस्ट बी पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल, कोशिश करना है जो सपोर्ट कर रहा है नी वो घुटना सीधा रहे, हालांकि वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा पर कोशिश एथलीट को यही करवानी कि वो जितना हो सके सीधा रहे, हेड शुड बी अपलिफ्टेड फ्रॉम फ्रंट मेकिंग मैक्सिमम बेंड, और हेड अपवर्ड रहेगा और फ्रंट में मैक्सिमम कर्व मैक्सिमम बेंड बन रहा है। नाउ उर्ध्वासन, द ई कैटेगरी ऑफ बैक बेंड स्टैंडिंग, जो जिसकी बेस वैल्यू वन है, जिसकी हाईएस्ट मार्किंग है बैक बेंड स्टैंडिंग में, हैंड्स होल्डिंग द थाइज एंड एल्बो पॉइंटिंग डाउनवर्ड, इसमें आप देखेंगे कि पहले एथलीट चक्रासन करके अपनी गर्दन को पैरों के बीच में से निकाल के अपनी थाइज को कैच कर रहा है, एंड एल्बोज फेसिंग पॉइंटेड डाउनवर्ड, फीट एट 45 डिग्री एंगल, और जो पंजे हैं वो 45 डिग्री के एंगल पे रहेंगे, शोल्डर इन कॉन्टेक्ट विद द थाइज, और जो आपके शोल्डर है कंधे वो थाइज से पूरे कॉन्टेक्ट में रहेंगे, हेड शुड बी मैक्सिमम अपलिफ्टेड बिटवीन थाइज, और गर्दन को ऊपर की ओर रखना है, फेस नीड टू बी फेसिंग फॉरवर्ड, और जो फेस है वो फॉरवर्ड की ओर फेस कर।
महानील आसना, ये भी बैकवर्ड बेंड में और काफी डिफिकल्ट पोजेस में आता है। लेटरली ट्विस्टेड बॉडी इन बैक बेंड, इसमें बैक बेंड भी है और ट्विस्टिंग है, दोनों चीजें एक साथ आ रही है। दोनों हाथ प्रॉपरली कनेक्टेड है। फीट फॉर्मली प्लेस्ड ऑन ग्राउंड हैविंग शोल्डर डिस्टेंस पैरेलल टू ईच अदर, फीट जो है ग्राउंड पे प्लेस्ड है। वन नी शुड बी ग्रिप्ड बाय अपोजिट हैंड, जो घुटना है वो अपोजिट हैंड से प्रॉपरली ग्रिप्ड है। अदर हैंड प्लेस्ड ऑन ग्राउंड नियर द फुट, और जो दूसरा पैर है वो बॉडी को सपोर्ट करते हुए पंजे के बाई ओर रखा हुआ है। बोथ लेग्स एंड सपोर्टिंग हैंड्स इन वन लाइन, बोथ हैंड्स एंड लेग्स एक लाइन में होने चाहिए, पैरों के पंजे और हाथों की हथेली एक लाइन में होने चाहिए। एथलीट शुड प्रोजेक्ट हेड अपवर्ड मेकिंग मैक्सिमम बैक बेंड, अब एथलीट की गर्दन भी ऊपर की हो रो और उसका लंबर और थोरेसिक कर्व भी यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए, फेसिंग फेस फेसिंग फॉरवर्ड। नाउ डिम्बासना, ये भी काफी बार सब जूनियर जूनियर कैटेगरीज में आसन देखा गया। डिम्बासना मेनली इसमें बहुत इन डेप्थ कर्व चाहिए आपका लंबर की स्पाइन का भी और थोरेसिक का भी, जैसा कि आप सब देख सकते हैं इस आसन को। बोथ लेग्स टुगेदर फर्मली प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, दोनों जो लेग्स है वो ग्राउंड पे प्रॉपरली कनेक्टेड है। फर्म ग्रिप विथ बोथ हैंड्स ऑन लोअर पार्ट ऑफ द शिन बोन, और दोनों हाथ शिन बोन के और जहां से एंकल स्टार्ट हो रहा है वहां पर ग्रिप करे हुए हैं। बैक ऑफ द शोल्डर इन कॉन्टेक्ट विद द ग्लूट मसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। आपकी जो बैक है थोरेसिक से लेके जो शोल्डर सर्वाइकल जो बोन्स आ रही है उससे जो पूरा बैक कनेक्टेड है वो आपके बटक्स के ग्लूट मसल से कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये पूरा डिम्बासन माना जाता है। अदरवाइज एक आसन हमने पहले डिस्कस किया था, ये उस कैटेगरी में आ जाएगा। बोथ नीज लेग्स हैंड स्ट्रेट, हेड प्लेस्ड इन बिटवीन आर्म्स, ईयर इन कॉन्टेक्ट विद बाइसेप्स, होल बॉडी शुड स्ट्रेच अपवर्ड, पूरा बॉडी ऊपर की ओर स्ट्रेच रहेगा, फेस फेसिंग फॉरवर्ड। इनमें कुछ आसन ऐसे हैं जिसमें हल्की सी भी अगर मान लीजिए एथलीट गड़बड़ी करता है या प्रॉपर टच नहीं कर पाता है तो वो इसी कैटेगरी के दूसरे आसन से मेल खाता हुआ आपको नजर आएगा, तो फिर जजेस भी उसी अकॉर्डिंग मार्किंग भी करते हैं। कुछ आसन आपको देखने में काफी सेम दिखेंगे बट आप उनको अगर इन डेप्थ देखेंगे यू विल फाइंड अ डीप डिफरेंस इन द कर्व्स एंड हाउ द पोस्चर इज गेटिंग द फाइनल पोजिशन। नाउ ध्वज द्वार आसना, इन ध्वज द्वार आसना, अब देखिए ध्वज द्वार आसना और एक हमने अभी और डिस्कस किया था एक पाद उद्धव दंड धनुरासना जो कि इसी पेज पे है, दिखने में लगभग काफी सेम दिख रहा है बट देयर इज अ डिफरेंस। अब ध्वज द्वार आसना में क्या हो रहा है आप देखेंगे कि एक तो कर्व मैक्सिमम हो गया, कर्व बढ़ गया है स्पाइन का और एथलीट ने अपने एक पैर के एंकल को कैच कर लिया है, देखिए आप लोग। अदर लेग स्ट्रेच अपवर्ड 180 डिग्री, अदर हैंड शुड कैच द एंकल ऑफ द सपोर्टिव लेग, हैंड लेग स्ट्रेच, यहां पर एंकल को कैच कर लिया गया, ठीक है, देन इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट, सो इट इज ध्वज द्वार आसन। देन पोष क्रमिक आसना, वन लेग शुड बी प्लेस्ड एट लेटरल पार्ट ऑफ द बैक, एक पैर को बैक की लेटरल पार्ट पे फोल्ड करके रखा जाता है। बोथ हैंड्स फर्मली प्लेस्ड ऑन ग्राउंड विद शोल्डर्स डिस्टेंस, दोनों हाथों को शोल्डर डिस्टेंस पे प्रॉपरली प्लेस किया जाता है। अदर हैंड इन बिटवीन बोथ हैंड, अदर लेग जो दूसरा पैर है जो सपोर्ट कर रहा है वो दोनों हाथों के बीच में होना चाहिए। सेम शोल्डर इन कॉन्टेक्ट विद सपोर्टिव लेग, और जिस तरफ से पैर नीचे जमीन की ओर जा रहा है वो शोल्डर से कनेक्ट हुआ हुआ होना चाहिए। एंड एथलीट शुड प्रोजेक्ट हेड अपवर्ड मेकिंग मैक्सिमम बैकबेंड, हेड भी ऊपर हो और मैक्सिमम बैकबेंड भी हो। ईयर इन कॉन्टेक्ट विद थाई ऑफ सपोर्टिंग लेग, ईयर्स आपके सपोर्टिंग लेग के थाई से कनेक्ट होने चाहिए। दीज आर द माइनर पॉइंट्स इन कोश क्रमिकासन। सो दीज वर द 25 पोस्चर्स ऑफ बैकवर्ड बेंडिंग स्टैंडिंग, जिसमें एथलीट खड़े खड़े अपने शरीर को कर्व कर रहा है, जिसमें एथलीट खड़े खड़े अपने शरीर को बैकवर्ड बेंड कर रहा है, कर्व कर रहा है। अब जो आगे वाले आसन जो हम डिस्कस करेंगे वो है बैक बेंड फ्लोर, जिसमें एथलीट फ्लोर पे अपनी प्रैक्टिस या फिर अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। तो इसमें भी 0.6 से लेके 1.0 तक की बेस वैल्यू के टोटल 25 आसना है, तो उन आसनों को भी हम डिस्कस करते हैं। पहला आसन इसमें जो बी कैटेगरी का है A1 आसना, जिसकी मार्किंग 0.6 है, लोएस्ट मार्किंग, उष्ट्र आसना, कैमल पोज। थाइज एंड आर्म शुड बी परपेंडिकुलर
ग्राउंड एंड पैरेलल टू ईच अदर, जो थाइस है और आर्म्स है वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और पैरेलल भी होनी चाहिए ईच अदर। पाम्स प्लेस्ड ऑन हील्स, आपकी हथेलियां जो है वो प्रॉपरली हील्स पे रखी हुई होनी चाहिए। मैक्सिमम चेस्ट का एक्सपांड होना चाहिए। नीज हील्स टोज शुड बी टुगेदर, हेड शुड बी डाउनवर्ड डायरेक्शन और गर्दन आपकी पीछे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। दूसरा आसन आप इसमें देखेंगे एक बाद राज कपूत आसन। इसमें कई बार मिस्टेक कर जाते हैं कि इसको हम राज कपोता की तरह ही देख लेते हैं, क्योंकि कई बार राज कपोता में जो फ्रंट लेग है वो इनसाइड फोल्ड होता है। यहाँ आप देखेंगे कि आपका जो फ्रंट लेग है वो टर्न होके आपके राइट बटक के साइड में ही रखा हुआ है। फुट ऑफ बैक लेग इज इन कॉन्टेक्ट विथ क्राउन ऑफ द हेड, पीछे वाले पैर फोल्ड होके हमारे सिर के क्राउन से कनेक्ट हो रहा है। फर्म ग्रिप ऑन ग्राउंड ऑन टो विथ बोथ हैंड्स, एल्बो फेसिंग अपवर्ड शुड बी टुगेदर, जो एल्बो ऊपर की ओर देख रही है वो दोनों एक साथ रहेगी। अदर लेग शुड बी फोल्डेड आउटवर्ड, यहाँ देखिए अदर लेग क्या है, आउटवर्ड फोल्ड हो रहा है। फीट शुड बी एडजस्टेड टू हिप एंड पॉइंटेड आउटवर्ड, यहाँ पर पंजाबी आउटवर्ड है, पॉइंटेड है और फीट भी आउटवर्ड है। आरोग्यासन, ये हम जो धनुरासन है वी परफॉर्म बो पोस्चर्स मेनी टाइम्स, सो इट इज द एडवांस वर्जन ऑफ बो पोस्चर धनुरासन। बैलेंस ऑन एब्डोमेन रीजन, यहाँ पर पूरा बैलेंस आपके पेट पर, नाभि पर, एब्डोमेन रीजन पे हो रहा है। टो इन कॉन्टेक्ट विथ ईयर, दोनों जो अंगूठे हैं पैरों के वो कानों से टच है। फर्म ग्रिप विथ हैंड्स एंड टोज प्रॉपरली ग्रिप्ड है। एल्बो शुड बी फेसिंग डाउनवर्ड, यहाँ एल्बो दोनों परपेंडिकुलर है और डाउनवर्ड फेस कर रही है। एंड शोल्डर एंड नीज शुड बी इन अ लाइन, शोल्डर और नीज एक लाइन में होने चाहिए, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, एंड फेस फेसिंग फॉरवर्ड। एक पाद विपरीत दंडासन, हम जो विपरीत दंडासन करते हैं ये उसी के वेरिएशन का एक पार्ट है। इसमें एथलीट शुड बैलेंस ऑन हेड एंड ऑन वन लेग, यहाँ पर एथलीट सिर पर और एक पैर पर अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस कर रहा है। अदर लेग शुड बी स्ट्रेट इन अपवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ऊपर वाला पैर आप देखेंगे एकदम पॉइंटेड है, ऊपर की ओर है और टो पॉइंटेड है, इनफ्लेक्शन मूव। नी शुड बी स्ट्रेट, दोनों पैरों के घुटने सीधे हैं। हेड एंड वन फुट शुड बी ऑन ग्राउंड, फिंगर शुड बी इंटरलॉक, हाथ अच्छे से इंटरलॉक रहेंगे जैसे हम शीर्षासन स्थिति में रखते हैं। एंड मैक्सिमम बैक आर्च, बैक का मैक्सिमम आर्च आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो बैक आर्च बन रहा है वो लंबर पार्ट से बन रहा है। शिव धनुष आसन, शिव धनुष आसन इसमें भी जो पूरा बॉडी का जो बेस है वो आपका एब्डोमेन रीजन है, दोनों हाथों ने फीट को अच्छे से कनेक्ट कर रखा है। वन फुट एंड हैंड शुड बी पैरेलल टू ग्राउंड एंड अप टू ईयर, वन फुट एंड हैंड शुड बी पैरेलल टू ग्राउंड, एक हाथ और एक पैर तो पैरेलल टू द ग्राउंड है और दूसरा हाथ अब पंजे को कैच करके टोज पॉइंटेड अपवर्ड बाई कीपिंग द नीज स्ट्रेट। वन हैंड शुड बी पैरेलल टू द फ्लोर एंड परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, एक हैंड तो पैरेलल है और एक हैंड और एक लेग परपेंडिकुलर है, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ द बी कॉलम फॉर द बैकवर्ड बेंड फ्लोर, जिसकी बेस मार्किंग 0.7 है, लेवल बढ़ता हुआ 0.6 से 0.7 पे आता हुआ, उसमें लघु वज्रासना, ये जो हम वज्रासन करते हैं उसी का एडवांस वर्जन है। एथलीट शुड बी इन कंप्लीट बैक बेंड, यहाँ पर बैक बेंड पूरा कंप्लीट हो रहा है। क्रेनियम, क्रेनियम मतलब जो आपका कपाल का सिर का भाग ऊपरी भाग है, प्लेस्ड ऑन द आर्क ऑफ द फीट, फीट का जो आर्क है उसके ऊपर वो प्रॉपरली प्लेस्ड होना चाहिए। बोथ हैंड्स होल्डिंग द नी, हैंड शुड बी स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर। नीज हील्स टोज शुड बी टुगेदर। गोवर्धन आसन, इसमें थोड़ा एथलीट का स्प्लिट भी अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर बैक बेंड यहाँ पर है और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो क्रेनियम पार्ट है एथलीट का, जो कपाल सिर का ऊपरी भाग है, वो कहाँ पर काफ मसल्स पे पीछे वाले पैर की रेस्ट कर रहा है। बोथ हैंड्स होल्डिंग द नीज, दोनों हाथों से घुटने को पकड़ लिया गया है। एक्सटेंडेड लेग शुड बी स्ट्रेट फुट ऑन द ग्राउंड। महावीर आसन, ये आसन भी कई बार एथलीट करते हैं। एथलीट शुड बी इन कंप्लीट बैक बेंड, एथलीट कंप्लीट बैक बेंड यहाँ पर एथलीट का हो रहा है, अपन देख सकते हैं। वन नी इज इन परपेंडिकुलर, आगे वाला नी वी कैन सी परपेंडिकुलर है और अनदर नी प्रॉपरली प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड एंड इट शुड बी स्ट्रेट। बोथ हैंड्स ग्रिपिंग ऑन
हील ऑफ बैक लेग, पीछे वाले पैर की एड़ी को अच्छे से पकड़ रखा है दोनों हाथों ने। हेड शुड बी बिटवीन हैंड एंड फेसिंग अपवर्ड, फेस ऊपर की ओर अपवर्ड फेस कर रहा है। पद्मनाभासना, मैक्सिमम बैक आर्च, इसमें बैक का आर्च मैक्सिमम है क्योंकि इसमें आपका पद्मासन भी लग रहा है एज पर द नेम, जिसमें पद्मासन भी इस नेम में आ रहा है, तो इस आसन में एथलीट ने पद्मासन भी लगा रखा है। कौन सी पोजीशन में? प्रोन पोजीशन में, पेट के बल यहाँ पर पद्मासन भी लगा हुआ है। हैंड शुड बी इन नमस्ते मुद्रा, पीछे की ओर हैंड नमस्ते मुद्रा में है। फिंगर्स टूवर्ड द हेड, एल्बो शुड बी पैरेलल टू ग्राउंड, दोनों एल्बो ग्राउंड के पैरेलल है। चेस्ट एंड हेड शुड बी अबोव द ग्राउंड, चेस्ट और हैंड अबोव द ग्राउंड होना चाहिए। एक्सपांड ऑफ लंग्स मैक्सिमम होना चाहिए, फेस फेसिंग अपवर्ड। पूर्ण मत्स्यासना, मत्स्यासना हम करते हैं तो उसी का एडवांस वर्जन, इट इज द पूर्ण मत्स्यासना। द एथलीट मस्ट बी इन सिटिंग पोजिशन इन बैक बेंड, फर्स्ट द एथलीट हैज टू सिट इन पद्मासना, देन देयर विल बी अ बैक बेंड, बोथ नीज ऑन द ग्राउंड, दोनों घुटने ग्राउंड पे प्रॉपरली प्लेस्ड होंगे। फर्म ग्रिप ऑफ द टो, टो को प्रॉपरली ग्रिप करना है एथलीट ने। मैक्सिमम बैक आर्च होना चाहिए, क्राउन इन कॉन्टेक्ट विद द बटक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्राउन ये आप यहाँ पर देखेंगे, क्राउन शुड बी कॉन्टेक्टेड विद द बटक्स। ऐसा नहीं कि क्राउन हेड को सिर पे ग्राउंड पे रखना है, क्राउन को बटक से टच भी करना है, ये इस आसन की बारीकी है जो हमें पता होनी चाहिए। नाउ द सी सेक्शन ऑफ द सी कैटेगरी ऑफ बैकवर्ड बेंडिंग फ्लोर, पूर्ण चक्रबंधासना, कुम चक्रबंधासना, मेनली ये भी चक्रासन का एक वेरिएशन आप बोल सकते हैं, कई बार एथलीट इस आसन में चक्रासन में होकर भी आता है। हैंड्स फ्लोडिंग द एंकल्स एंड एल्बो पैरेलल टू द ग्राउंड, दोनों हाथों से एंकल्स को पकड़ा गया है। हेड टचिंग द हिप, सिर जो है हिप को कनेक्ट कर रहा है। मैक्सिमम बैक बेंड यहाँ पर है। नीज एंड एल्बो शुड हैव 90 डिग्री एंकल, दिस इज इंपॉर्टेंट, एल्बो का भी 90 डिग्री है और नीज का भी यहाँ पर 90 डिग्री है, एंड फेस फेसिंग फॉरवर्ड। पद्म झासासना, मेनली इसमें पद्मासन एथलीट लगाए है, देयर इज अ पद्मासन वी कैन सी, एंड बोथ द पाम्स आर रेस्टेड ऑन द नीज, एंड इट इज मोस्टली सिमिलर जैसे पहले आसन जो हमने देखा था, इससे पहले हमने अभी जो आसन देखा था, अब इसमें आप देखेंगे कि पूर्ण मत्स्यासना में उसमें टोज कैच किया गया है, अंगूठों को पकड़ा गया है, यहाँ पर जो दोनों हाथ नीज पे प्लेस्ड, ठीक है, और बाकी क्राउन हेड वगैरह सेम सब कुछ कनेक्टेड। वायुपुत्र आसना, अब वायुपुत्र आसना में वी कैन सी देयर शुड बी अ प्रॉपर स्प्लिट ऑल्सो, स्प्लिट होना बहुत जरूरी है एथलीट का, क्योंकि कई बार इसमें एथलीट पहले स्प्लिट पूरी ओपन करता है, फिर बैक लेग को नी को फोल्ड करता है, और वन फुट ब्लॉक ऑन द साइड ऑफ द वेस्ट, उस फुट को ब्लॉक करके वेस्ट कमर के साइड में लगाता है। हैंड शुड बी स्ट्रेट, दोनों हाथ स्ट्रेट रहते हैं, एंड पाम शुड बी ऑन द ग्राउंड, और जो पाम्स है वो ग्राउंड पे होने चाहिए। पाद अंगुष्ठ धनुरासन, ये धनुरासन का और एडवांस वर्जन है, इट इज द एडवांस वर्जन ऑफ धनुरासन। वी कैन सी द एथलीट शुड बी कंप्लीट बैक बेंड एथलीट का होना चाहिए, और नेवल पे बैलेंस होना चाहिए, नाभि पर एथलीट का बैलेंस यहाँ पर होना चाहिए। लेग्स एंड हैंड्स शुड बी स्ट्रेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, अब यहाँ पर देखिए आप लेग्स एंड हैंड्स दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है, विच शुड बी नोटिस प्रॉपरली, और यहाँ पर एथलीट को बहुत इन डीप लंबर कर्व देना है, लंबर और सैक्रम का कर्व यहाँ पर बहुत डीप होगा एथलीट का, तो बीइंग ए कोच आपको पता होना चाहिए कौन से आसन में कितना इन डेप्थ कर्व जा रहा है। फेस शुड बी बिटवीन, फेस फेसिंग फॉरवर्ड। गंध भेरुंड आसना, इस आसन में फीट कवर्ड बाय हैंड्स विथ फिंगर्स इंटरलॉक्स, आपके फीट प्रॉपरली कनेक्टेड है ग्राउंड के, पूरा कर्व बन रहा है और सिर दोनों पैरों के बीच में से आ रहा है, एंड फिंगर्स इंटरलॉक हो रहे हैं यहाँ पे, फिंगर्स इंटरलॉक होकर चिन को रखा गया है, चिन शुड रेस्ट ऑन द हैंड्स, फेस फेसिंग फॉरवर्ड। ये आसन भी एथलीट काफी करते हैं जिनकी बैक बेंडिंग काफी अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी होती है। नाउ द डी कैटेगरी ऑफ बैक बेंड फ्लोर, जिसकी बेस वैल्यू 0.9 है, स्तर बढ़ता हुआ, मार्किंग बढ़ती हुई। शंख पल्ला पलासना,
इन दिस पोस्चर बोथ हैंड्स होल्डिंग द नी, दोनों हाथ, ये मान के चलिए कि ये डीप बैक बेंड है, इन डेप्थ यहाँ पर डीप बैक बेंड हो रहा है, और जो धनुरासन करते हैं उसका भी एडवांस वर्जन है। नी बोथ बोथ द नी शुड बी स्ट्रेट, हेड बिटवीन द लेग्स फेसिंग फॉरवर्ड, हेड जो है लेग्स से कनेक्ट रहेगा फॉरवर्ड देखते हुए, मैक्सिमम बैकवर्ड, टो पॉइंटेड अपवर्ड, दोनों जो टोज है वो अपवर्ड पॉइंट रहेंगे, एल्बो शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, और जो फ्रंट में एल्बो है दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, एक पाद विपरीत शलभासन। इन दिस पोस्चर्स वी कैन सी शलभासन का वेरिएशन है ये, जो हम नॉर्मली शलभासन करते हैं उसमें भी एथलीट ने एक लेग को पूरा स्ट्रेच कर लिया, वन लेग इज इन अपवर्ड पोजीशन परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, एक पैर ऊपर की ओर पॉइंट करता हुआ, अनदर लेग इन एक्सटेंडेड डाउनवर्ड पोजीशन, दूसरा पैर पूरा एक्सटेंडेड है डाउनवर्ड है, हुज सोल टचेस द ग्राउंड, उसका सोल ग्राउंड को टच होना चाहिए, दिस इज द मेन पॉइंट हियर, हेड शुड टच द थाई ऑफ एक्सटेंडेड लेग, दोनों हैंड्स प्रॉपरली एंकल को कनेक्ट कर रहे हैं और हेड थाई से कनेक्टेड है, बोथ हैंड्स ग्रिपिंग द एंकल्स, सुग्रीव आसना, ये आसन भी एथलीट काफी बार करते हैं, इसमें प्रॉपर स्प्लिट एथलीट का चाहिए, लेग मस्ट बी इन स्प्लिट ऑफ 180 डिग्री इन सिटिंग पोजिशन, नी शुड बी स्ट्रेट, बोथ द टोज आर पॉइंटेड, द बैक टो इज ऑल्सो पॉइंटेड, द फ्रंट टो इज ऑल्सो पॉइंटेड, बोथ हैंड्स ग्रिपिंग ऑन शिन ऑफ बैक लेग, वी कैन सी हियर शिन बोन को अच्छे से ग्रिप कर रखा है एथलीट ने, फेस फेसिंग अपवर्ड और फेस फेसिंग अपवर्ड, अर्ध कपोत वामदेव आसन, अब इस आसन में भी प्रॉपर स्प्लिट चाहिए, राज कपोत भी इसमें हो रहा है देखिए, और बैक स्प्लिट होकर उसको प्रॉपरली टक किया है वेस्ट के साइड में, वन लेग शुड बी फोल्डेड इनवर्ड, एक पैर आगे वाला इनवर्ड है, वन फिट ब्लॉक्ड ऑन द साइड ऑफ द वेस्ट, दूसरा पैर वेस्ट पे इंटरलॉक्ड है, हेड इन कॉन्टेक्ट विद द नी ऑफ द ब्लॉक्ड लेग, जो पीछे वाला पैर जो ब्लॉक्ड है उससे हेड कनेक्टेड है, बोथ हैंड्स होल्डिंग द नीज, नीज को कनेक्ट करके ब्लॉक्ड लेग्स, सुप्त डिम्बासना, ये डिम्बासना हमने जो शुरुआत में स्टैंडिंग भी पढ़ा था उसी को सुप्त कर दिया गया, मतलब यहाँ पर एथलीट लेट कर डिम्बासना कर रहा है, उसमें एथलीट का जो बैक साइड है वो पूरा कनेक्ट हो रहा है पैरों से और मैक्सिमम लंबर कर्व बन रहा है, हेड इन कॉन्टेक्ट विद द थाई एंड लेग शुड बी टुगेदर, दोनों पैर टुगेदर होंगे, बैकवर्ड बेंड फ्लोर का अंतिम पांच आसन जो कि ई कैटेगरी के हैं और जो सबसे ज्यादा मार्किंग रखते हैं, चित्र पतंग आसन, एथलीट मस्ट मस्ट बी बैक बेंड, प्रॉपरली पूरा कर्व यहाँ पे बैक बेंड का बन रहा है, टोज ब्लॉक्ड ऑन द साइड ऑफ रिब्स, दोनों जो टोज है वो प्रॉपरली जो हमारे रिब केज है उसके दाएं और बाएं प्रॉपरली कनेक्टेड है, बोथ हैंड्स होल्डिंग द नीज, वी हैव टू कनेक्ट द हैंड्स विद द नीज प्रॉपरली, फेस फेसिंग फॉरवर्ड, फेस शुड फेस द फॉरवर्ड, मैक्सिमम बैक बेंड इज हेयर फ्रॉम द लंबर रीजन, एल्बो शुड बी पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द ग्राउंड, एल्बोज खुद से भी पैरेलल हो और ग्राउंड से भी प्रॉपरली पैरेलल हो, मेनली इन आसनों में जो कि बहुत हाई लेवल के होते हैं इनमें बहुत बारीकियां देखी जाती है कि परपेंडिकुलर है या नहीं, पैरेलल है या नहीं, प्रॉपर ग्रिपिंग है या नहीं, तो इनका कोचेज और जजेस प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हैं। मृग मुकुट आसना, मुख आसना, इट इज रिलेटेड टू मृग, दैट मीन्स हिरण, बोथ द नीज चिन शोल्डर्स एंड फीट शुड टच द ग्राउंड, बोथ द नीज, दोनों नीज प्रॉपर, देखिए यहाँ पे घुटना भी कनेक्टेड है, नीज इज कनेक्टेड, चिन इज ऑल्सो कनेक्टेड, शोल्डर इज ऑल्सो कनेक्टेड एंड फीट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द ग्राउंड, हेड शुड बी बिटवीन द बोथ, जो गर्दन है वो दोनों पैरों के बीच में रहेगी, हैंड शुड बी स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, हैंड्स अपवर्ड है, एक मुद्रा भी लगा लें, कौन सी, अपान मुद्रा, हेयर द मुद्रा, द नेम ऑफ द मुद्रा इज अपान मुद्रा इन दिस पोस्चर, विपरीत वालखिल्य आसन, इसमें भी प्रॉपर स्प्लिट एथलीट को चाहिए, वी कैन सी बैकवर्ड बेंड के साथ प्रॉपर स्प्लिट यहाँ पर हो रहा है, बोथ फीट शुड टच द ग्राउंड इन स्प्लिट, मतलब दोनों पंजे प्रॉपरली कनेक्ट होने चाहिए, टोज शुड बी पॉइंटेड, बोथ हैंड्स ग्रिप द शिन ऑफ फॉरवर्ड लेग, आगे वाला जो पैर है इसमें मेनली एथलीट खुद पकड़ के पैर को आगे की ओर लाता है और पूरा स्ट्रेच करता है, बोथ नीज स्ट्रेट, दोनों नीज स्ट्रेट है, हेड
हेड रिमेन्स अबोव द ग्राउंड, गर्दन ऊपर की ओर रहती है, एंड फेस फेसिंग फॉरवर्ड। प्रजाकट आसना, इसमें भी बहुत इन डेप्थ डीप बैक बेंड चाहिए, क्रॉस लेग्स ओवर द नेक, गर्दन के पीछे की ओर से क्रॉस लेग्ड हो रहा है। इसमें मेनली शलभासन से एथलीट पूरा आगे की ओर आता है। बोथ हैंड्स ग्रिप्ड ऑन एंकल, दोनों हैंड्स एंकल को अच्छे से पकड़ते हुए अबोव द फीट। एल्बो एंड फीट शुड बी ऑन ग्राउंड, एल्बो भी ग्राउंड पे है और फीट भी ग्राउंड पे, ऊपर नहीं रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। एंड फेस फेसिंग फॉरवर्ड, फेस को फॉरवर्ड की ओर फेस करते हुए। द लास्ट पोस्चर इज विभक्त विपरीत शलभासन, ये भी एथलीट काफी बार करते हैं, मोस्टली इस आसन को देखा जाता है ई कैटेगरी का सबसे ज्यादा मार्किंग वाले आसनों में। एथलीट शुड बी इन कंप्लीट बैक बेंड, यहाँ पर एथलीट कंप्लीट बैक बेंड हो रहा है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो उसका लंबर और सैक्रम कर्व तो मैक्सिमम बेंड हो गया। एल्बो ऑन द ग्राउंड विथ ग्राउंड एट शोल्डर डिस्टेंस, एल्बो ग्राउंड पे रहेगा, शोल्डर डिस्टेंस पे रहेंगे दोनों। बोथ हैंड ग्रिपिंग ऑन द नीज, दोनों घुटनों को ग्रिप करते हुए। विथ लेग्स स्ट्रेट रहेंगे, फेस सामने की ओर फेस करेगा, थाइज दोनों कानों को टच करेंगे, एंड फीट शुड पॉइंटेड फॉरवर्ड। सो दिस इज हाउ विभक्त विपरीत शलभासना इज डन। सो दिस इज द कंप्लीट बैकवर्ड बेंड कैटेगरीज ऑफ बोथ बैकवर्ड बेंड स्टैंडिंग एज वेल एज बैकवर्ड बेंड फ्लो। So this was the last point of the. Now, if you have any queries, you all can ask. And thank you, everyone. If you have any queries regarding the session, you all can ask. Mainly, in backward bend poses, we all going to be coaches very soon. So we should know the proper structure of the spine and the movement of spine. जैसा कि आप लोगों ने सीखा भी होगा, जो क्लासेस लगी होगी, एनाटोमिकली वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइन वेरी वेल, देन ओनली वी कैन बी एबल टू प्रॉपरली गाइड द एथलीट, क्योंकि अवर मेन रोल इज वी आर द कोचेज। अगर कोच प्रॉपरली गाइड करेगा तो एथलीट को इंजरी होने का चांस कभी नहीं रहेगा। सो टू अवॉइड द इंजरीज वी शुड नो द प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पाइन, एंड देन ओनली देन वी शुड सी ईच एंड एवरी पोस्चर्स वेरी केयरफुली, एंड देन वी शुड tell the athlete to perform, and we, do not guide any athlete without warm-up. Warm-up is very necessary for lumbar spine. There is a different warm-up for thoracic spine. There is a different warm-up. So we should know the proper warm-up section also, because we are coaches. We are here to train as a coaches. So it is our duty to train the coaches properly, to train the athletes properly. आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द सेशन। सर, स्पेसिफिक वार्म अप के लिए और सेशन होगा क्या? फॉर स्पेसिफिक सेशंस बिल्कुल, मे बी श्रेयस सर विल गाइड उसके लिए सेशंस। ओके ओके, क्योंकि जैसे आप लोग आगे जाएंगे, जब मेनली हायर ट्रेनिंग्स में जाएंगे, जैसे मान लीजिए कभी आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी साई जाने का भी मौका मिलेगा, तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, जब भी कभी ऑफलाइन आप इस चीज को गो थ्रू करेंगे। आई होप आई एम डन। श्रेयस सर, एनी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। As the compared to the other asanas, the backward bending is the very crucial postures. It's depend on completely the spinal cord. That same boys means it's two boys are performing the backward bending at the same postures. There is a deformities of the bodies, means there is not the same structure in the both spinal cord. So there will be variation in the spinal cord, and ultimately the postures will be changes. So how do you overcome that one? We are giving the training for the both boys, and there is a just in regular, just in the comparison with the spinal cord, and the postures will be different. Then how do you overcome that one, sir? So mainly, basically, like if two athletes are performing, so
if it is in a artistic pair or rhythmic pair. So firstly, we have to select athletes according to their spinal flexibilities also, because they will going to perform same postures also mainly. So first, being a coach, and it is from the coach's point of view that which athlete a coach should is selecting for the tournament. And then, yeah, there will be, because different athlete, different person have different inner anatomy. But if you do proper like yogasana, proper warm up, and then you will be able to go for the final position. But it depends on the athlete to athlete. We cannot say that the both athlete will perform the same, will be able to perform the same posture or will be able to perform the same curve. The judges will mark accordingly, according to the curve, according to the trembleness, according to the stillness. So it depends on the athlete, and it is our coach's duty also that which athlete we are choosing, and what according to the height, according to their body language, we have to select the athletes also. Then only we will get a proper tournament for the athletes. Okay, thank you, sir. Thank you. So thank you so much, everyone. Shreya sir, aap hai. हेलो नमस्कार अभिषेक जी जी. नमस्कार सर जी, मैं नरेंद्र कुमार. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कल मेरा कंपटीशन था इशार में, सीनियर 35 से लेकर 45 तक. तो कुछ पोस्टर थे जैसे अभी आपने बातें की, इन पोस्टरों में कुछ दो तीन एक जैसे होते हैं जो खिलाड़ी होते हैं, उनमें थोड़ा सा कैसे जो सेम पोस्टर कर रहे हैं तो उनमें ये डिफरेंस कैसे, जो मार्किंग का होता है ये कैसे कर पाएंगे? सेम पोस्चर कर रहे हैं तो उनका कर्व सेम नहीं आ रहा है, आप बोल रहे हैं मतलब वो प्रॉपर पोजीशन सेम, हाँ. दोनों की सेम नहीं आ पाती, राइट? जी. तो उसमें तो मेनली देखा जाता है ना कि आप प्लेयर वन प्लेयर टू के अकॉर्डिंग जजिंग होती, तो वहां पे जजिंग विल बी अकॉर्डिंग टू प्लेयर वन एंड प्लेयर टू. अगर प्लेयर वन प्रॉपर कर्व कर रहा है, प्लेयर टू प्रॉपर कर्व नहीं कर रहा है, तो मार्किंग विल बी अकॉर्डिंगली. तो उनकी जो फाइनल मार्किंग है, वो फाइनल जो उनकी टोटल मार्किंग पे उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो प्लेयर वन प्लेयर टू इसलिए होता है कि प्लेयर वन की भी वहां पर प्रॉपरली डिफिकल्टी जज चेक हो जाए और प्लेयर टू की भी वहां पर चेक हो जाए. सो दैट इज अकॉर्डिंग टू हाउ द एथलीट इज परफॉर्मिंग, वो उस पर डिपेंड करता है. अगर वो कम कर्व कर रहे हैं, एक ज्यादा कर रहा है, तो मार्किंग उसके अकॉर्डिंग ही होगी. मार्किंग उसके अकॉर्डिंग. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच एवरीवन. हमें फिनिश करना होता है तो श्रेष सर शायद जुड़े हुए हैं. श्रेष सर आप हैं? चलिए, जब तक कोई और प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए. और ये जो जज का है और ये कोचिज का है, इनमें डिफरेंस क्या है सर? जजिंग जज कर रहे हैं और कोच. बहुत डिफरेंस हो. बहुत 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 मेजर डिफरेंस है जजिंग में और कोचिंग में. देखो, जजेस मेनली क्या होगा कि जजेस का काम होगा कि उस स्ट्रक्चर को देखना, जो फाइनल पोजीशन है उसको देखना और मार्किंग करना. और कोच का काम होगा मुख्यतः कि उस एथलीट को उस फाइनल पोजीशन तक ले जाने का काम ही कोच का हो, क्योंकि कोच की गाइडेंस के बिना वो एथलीट उस फाइनल पोजीशन तक नहीं जा सकता, ठीक है? कोच को तो जजिंग का और कोचिंग का दोनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है. अगर ऐसे कोचेस निकलेंगे जिनको जजिंग का भी बारीकी पता है और कोचेस का भी बारीकी पता है, तो इट विल बिकम इजी, ठीक है? थैंक यू सर. थैंक यू वेरी नरुका जी, यू हैव टुक अ वेरी गुड सेशन एंड यू ट्राई टू बैलेंस द लैंग्वेज इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी एज ऑल्सो, एंड वी आर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. वी एक्सप्रेस अवर थैंक एंड विथ अवर ऑन दिस कॉल अवर नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन इज विथ अस. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you.